Good morning, Chotos. Good morning, but I didn't went to the school because I didn't go to the school. Keshariya. सुबह उठ गए ये लोग और गुड मॉर्निंग कीजु. गुड मॉर्निंग पापा. और कह रहा है केसरिया लगा दे इसको, आते ही रीटा को बोलता है. मैं आपको चिल रहा है, मैं केसरिया वाला गाना सुनती थी. हाँ. तो कीजु ने मुझे चिल्ला कि मैं क्यों नहीं सुनता दीदी जैसे. हाँ. तो कीजु इधर केसर बोलता, उसका मतलब था केसरिया. मैं समझ रही. अच्छा, केसरिया लगा दो. चलो वो केसरिया कर रहा है. कीजु, व्हाट डू यू वांट टू लिसन? केसरिया. ओके. गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? आज है मंडे और टाइम हो रहा है 9:30. एक्चुअली चक्कर क्या है कि आज उन्हें जाना था ऑफिस, बट मैंने क्लाइंट को लेके जाना था अपने साथ. मेरे पुराने क्लाइंट हैं वो, गॉडरेज के टाइम के, तो उनको लेके जाना था कुछ दिखाने द्वारका में. बट अभी उन्होंने बोला कि वो 12:30 तक कंफर्म करेंगे कि चल सकते हैं नहीं चल सकते. तो मैं फिर वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ से वापस आऊँ और लेके जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घर पे ही रह के सुबह की कॉल्स अपनी यहाँ से करूँगा. और 12:30-1 बजे के आसपास जब वो कंफर्म करेंगे तो पता चलेगा कि आज मैं गुड़गांव जा रहा हूँ या नहीं जा रहा. तो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, चलो. हेलो छोटू, कैसे हो? कैसे हो? क्या कर रहे हो? प्रिया दीदी के साथ खेल रहे हो? गुड मॉर्निंग. मम्मी आजकल ऐसे लगते हैं जॉगिंग करके आ रही है कहीं ना कहीं से. और क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया. रिचि खा रही है मिष्टी दही. हैं? रिचि का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है ये चीज. हेलो, गुड मॉर्निंग. अच्छा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं दोनों? मैंगो. मैंगो योगर्ट है खानी? मैंगो योगर्ट खानी है? ओ, मैंगो योगर्ट दे दो भाई मेरे बच्चे को. मैंगो योगर्ट देखो, ये बच्चा ऐसे पारियां कराते हैं चीजों के बहाने. वैसे तो ये करता है इसको पारी, बट मैं खिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इस वजह से. बस मैंगो योगर्ट खाएगा जी? करीना दीदी स्ट्रॉबेरी खाना है. सो मैं खा रहा हूँ अंडा रोटी, मम्मा ने बना दिया था सुबह मेरे टिफिन के लिए, तो इसलिए बस मैं वही, ताकि वेस्ट ना हो जाए. उनको नहीं पता था, उनको था कि मैं जाऊँगा, तो उन्होंने अपना नॉर्मल लंच बना के रखा हुआ था. मुझे लग रहा है ऑफिस ही चले जाता है यार मैं, ये तो इतने सुबह से चिल 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 हो रही है ना, ऑफिस जाना ठीक है. तो ये पीछे क्या है? दर्दनाक हादसा देख रहे हो गाइस, जो हुआ था मेरे साथ किसी टाइम, उसके ये यादें हैं. सो भाई कपड़े कुपड़े लग गए हैं एक लॉट, और कीचू और मामी बैठे हैं. आज हम देखने जा रहे हैं कीचू का रिएक्शन क्या होगा. तुम पहले चले जाओ कैमरा. तुम्हारी क्या हल्दी हो रही है? ऐसे तो मैंने भी कभी नहीं ले पा रहे राहुल, जैसे जिस तरीके से यार वो एक्सपायर होने वाला है. एक्सपायर होने वाला है का था, तो मैंने कहा चल आज यूज कर लेते हैं. एक्चुअली मामू गोदी, मामू जा रहे हैं, मामू की गोदी में आज. अच्छा अच्छा. कार नहीं मामू, बूट. Who is he? ये कौन है? This is मामू के फेस पे क्या हुआ? पारी कर दो मामू को. ये वाईफाई पारी दी है. कर दो ना प्लीज, प्लीज कर दो ना. दूर से ही पारी दी है. रिची यू लुकिंग सो प्रिटी बच्चा. शो मी रिदा. उसने करी नहीं है, दूर से करी है. हाँ ऐसे. चल अब तैयार हो जा, ये शूटिंग करते रहेंगे. मैं पास से कर देती हूँ. बाय मम्मा, हम जा रहे हैं मजनू का टीला. हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके? मजे में हैं सब लोग? करीना देख रही, पहले उधर चल रही थी शूटिंग, अब इधर चल रही है, क्या हो रहा है? तो बस भाई आज जा रहे हैं मजनू का टीला. बच्चे उतर चुके हैं नीचे और अब हम लोग भी जा रहे हैं. एक्साइटेड हैं बिकॉज नेवर सीन दिस मार्केट, और बहुत बार बनता था कि जाएंगे जाएंगे, बट कभी मौका लगा नहीं ऐसा जाने का. सो आज बना है सीन. हाय, कम इन द कार. गोरो गोरो
करेंगे आओ। यहाँ पे हुई थी पीके की शूटिंग, एक सीन है यहाँ का पीके में, बहुत सारी शूटिंग होती है उसकी, हुई थी फुकरे की। बड़ा ही फेमस सी जगह है, जगह कौन सी है? कश्मीरी गेट आने वाला है। कश्मीरी गेट नहीं है, यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है बहुत फेमस। अच्छा, तो ये लाल किला ही समझ लो, पीछे रेड फोर्ट ही है सारा। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। नीचे क्या लिखा है? जो अंधेरे को रोशन करती है वह एक बेटी है, ये मैं इतना पढ़ पा रही हूँ। आई डोंट नो, नीचे आल्सो दे रिटन समथिंग। बड़ा ही उसमें होता था ना, लेजिस्लेटिव फलाना, सिविक्स में होता था। विधानसभा आ गई है, दिल्ली विधानसभा। यहाँ दिल्ली के सारे आम आदमी के ज्यादातर लीडर्स यहाँ मिलते हैं और डिस्कशंस होती हैं। अच्छा, दिल्ली की असेंबली कब होगी? बोलोगी उसमें दिल्ली की असेंबली होगी कब? गाइस, बट बेबी पहनाया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज है। खींची को इसमें बिठा लेते हैं और बहुत कम्फर्टेबल होता है। राजगद्दी पे है, मैंने पकड़ा हुआ, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। देखो ये ऐसा लग गया, अरे कैसे बैठता भाई? 1, 2 and 3। अच्छा, तो तेरी तो सपोर्ट मिल जाता है यहाँ, आ रही होता फिर मुझे दे दे, मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस आ गए हम लोग मजनू का टीला की मार्केट, और ये बाहर मेन रोड से अंदर घुसने में ऐसा सही लग रहा है, मनाली का मार्केट नहीं थी, टिबेटन मार्केट में आ गए जैसे। और ये नूडल्स वूडल्स मिल रहे हैं भाई, इट्स अ नाइस प्लेस। एक्चुअली ईट हियर आल्सो कालसन, हां देहरादून में भी था और उसमें भी था, मसूरी में। दोस्तों हम लोग आए हैं मजनू का टीला मार्केट में, और अगर मैं सीरियसली बताऊं, हम लोग इस मार्केट में हमने कभी देखी नहीं थी, ये मार्केट सुना हुआ था, एंड वी रियली वांटेड टू कम हियर। और दिल्ली वाला फील ही नहीं आ रहा है, पता ऐसा लग ही नहीं रहा है दैट वी आर इन दिल्ली। बहुत ही मनाली की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे आके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही क्यूट क्यूट से कैफेज हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं, और ये जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर वी कैन ईट द लाफिंग। इतने डालूंगी ठीक है, बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब, भाई क्या गहर है ना, मजा आ गया। अमेजिंग बनाया यार इन्होंने। खैर वो मनाली वाला थोड़ा डिफरेंट था। हाँ जी, दीदी आई फिर यार, जो जो आया खाने उसको अभी तक मिला नहीं है। ये दीदी टूट पड़ी है, रिदा बहुत मिर्ची। अच्छा, फर्स्ट एवर बाइट ऑफ लाफिंग। कैसे तूने आता कई बार भी खाना? ये अभी चलना शुरू हुआ, जैसे मोमोज आते ना, अब लाफिंग आ गया दिल्ली के अंदर और बहुत जगह मिल रहा है। हाँ। तो इट्स वेरी नाइस, ऑथेंटिक वाला जो है वो यहीं पे है। सारा का सारा खा गई इसने, पूछा तक नहीं, एक करीना को मिला, एक मुझे मिला, बाकी सारा खा गई। अगर आप मजनू का टीला आ रहे हो तो डेफिनेटली यू ट्राई दिस लाफिंग। और ये लाफिंग जो है बिल्कुल मंदिर के सामने आपके दीदी बैठी हुई है, एंड बहुत ही अमेजिंग। हम भी किसी को देख के आए थे, बहुत ही अमेजिंग लाफिंग बनाया उन्होंने, मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है वैसे मनाली में खा रहे हैं। तो अभी हमें मिली है एक दुकान जहाँ पे बहुत ही हमें भीड़ नजर आ रही थी,
और यहाँ पे मोमोज और बबल टी वगैरह मिल रही थी। मैंने अभी तक बबल टी ट्राई नहीं की। यू हैव ट्राइड ना? आई हैव ट्राइड। सो हमारे एक दोस्त ने शॉप खोली है, वो वहाँ पे लेके जाएंगे आपको जल्दी। हाँ, सो उसने बबल टी, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई कि मुझे बबल टी पीनी है, तो लेट्स ट्राई कैसे मिलती है। Milk, yes, she's giving you. Milk. Not in your hand, not in your hand. Just drink. Drink. Okay. Drink. You like? Gilhari. Choti Gilhari. So it was bubble tea li thi aur momos liye the, but itne pasand nahi aaye momos. Aur in fact bubble tea bhi itna acha laga. बट अभी हम जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ पे, क्योंकि उसका पूरा प्रॉपर एक शॉप है बबल टी का ही, तो वहाँ पे जाके जरूर ट्राई करेंगे। क्या जेट एयरवेज का लोगो? तो यहाँ काम कर लिया, यहाँ भी काम कर लिया। वी गोइंग टू खालसांग कैफे। रेस्टोरेंट में आते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हमने इतना ज्यादा लाफिंग वगैरह खा लिया था, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड पास्ता और नूडल, खीचू के लिए नूडल और दादा के लिए पास्ता। सो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। हाउ वाज़ द फूड सर? फूड वाज़ गुड यार। गुड? वाज़ नाइस। हाँ जी, मजा आया। मजा आ गया। ओके जी, और हमने जगह रखी है दोबारा लाफिंग खाने की। आप भी सोच रहे होंगे लाफिंग लाफिंग इतना हो रखा है, बट अभी हम खाएंगे दोबारा से। अंदर उनको सॉफ्ट टॉयज दिख गया, तो ये अंदर आने के लिए बोल रहे हैं। फैल गया, फैल गया। ओके, बाय बाय, कम मीट यू। ये लौट के बुद्धू घर को आए। ये पूरी मार्केट घूम के फिर से हम लाफिंग के शॉप पे आ गए हैं, एंड वी गोइंग टू ईट इट अगेन। इसी के लिए जगह बना रखी थी, क्योंकि वो ये है बाकी सारी चीजें में खाते रहते हैं, पास्ता नूडल ये बहुत कम मिलता नहीं है। अच्छा अच्छा नहीं मिलता है, सो दैट्स व्हाई वी ईटिंग दिस अगेन। बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, दिखा दो शक्ल। मैं बहुत देखी हुई शक्ल उन्होंने। तो ये बन रहा है सूप वाला लाफिंग। सो हम लोग निकल गए हैं मार्केट से, और कैसा रहा सर थोड़ा आपका? मेरा तो ठीक था जी। आप लोग कैसे लगी मार्केट ये बताओ? हमारा भी ठीक था, बढ़िया था। लाफिंग खा के कैसा रहा? बहुत अच्छा, मजा आया। लाफिंग खा के मजा आया। यस, तेरी क्रेविंग खत्म हो गई? हाँ, क्रेविंग खत्म हो गई, और मैं कब से देख रही थी इसके बारे में। द बेस्ट पार्ट इज कि ये भी जो अभी हमने खाया है उसका भी वो बता रहे कि 30% बेटर वर्जन। सो जस्ट ड्रॉप देम यार घर पे। दिव्या को भी करीना को छोड़ा थे हम घर पे, उसके घर पे, और अब हम जा रहे हैं। हम क्या मतलब मैं ही जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी ना एकदम से बंद हो रही है। अब कल मुझे जाना है क्लाइंट को लेके, मालूम चले कल बंद हो जाए गाड़ी, और क्लाइंट मार रहे हैं धक्के गाड़ी में। वो कहेंगे वैसे आपसे जी हमने लेना नहीं कोई प्रॉपर्टी, आपने तो हमको धक्के लगवा दिए हैं गाड़ी पे। इसलिए मैंने कहा एक बार देख आता हूँ कि बैटरी वाला अगर कोई मिल जाता है तो मैं बैटरी चेंज करा ही लेता हूँ इसकी। बहुत अब क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ गई ना, किसी भी दिन बैठ जाएगी, और फिर कहीं इधर उधर बैठ गए तो और मुश्किल हो जाएगा इसको स्टार्ट भी करवाना। वैसे तो हमारी आदत होती है इंडियंस की कि हम जब तक लास्ट मिनट तक चूस ना लें हर चीज़ को, तब तक हम फेंकते नहीं है। लेकिन पिछली एक दो बारी की सर्विसेज में भी मुझे उसने बोल दिया था कि बैटरी की पावर वीक हो रही है, तो आप जल्दी से बैटरी चेंज करवा लो। तो मैंने कहा चल ठीक है, देखते हैं अभी कोई बैटरी वाला मिलता है भाई तो चेंज करवाते हैं। लो जी, हो गया कांड। नई बैटरी लग रही है 3,071 रुपये की, काम हो गया चपट एकदम। बैठे बिठाए 3,100 रुपये का खर्चा लग गया भाई, कुछ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में। देखा ये देखना गाइस, ये औरत अपना तो खा के आई आई थी, मेरी मम्मी पापा के गुस्से में से भी मांग लिया इसने। मैंने दोनों को नहीं बोला, मुझे पता था इन दोनों को बोलूंगी तो नहीं होगा। मैं मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मा एक पीस छोड़ दे दे। एक पीस, दो तो पीस आए थे उसमें तूने एक पीस मांग लिया। हार्टेड है कि अगर मैं इनको बोलूंगी तो बोलेंगे अरे कैसे से वही बोल रहे हैं दोनों। देख
अभी दोनों का दोनों वही कर रहे हैं। और ये खा रही है मेरे मम्मी पापा का हिस्सा। तो मम्मी पापा को मेरे को सुनने में ज्यादा पसंद नहीं आया जो भी हुआ है। ब्लॉग का टाइटल हो गया सिमर खा गई मम्मी पापा का हिस्सा। ये सही निकल गया भाई, ये वन नंबर पे जाएगा। ये मेरे को पता नाम देख रहे हो? हाँ। नहीं गए जिसने ये करा है, और ये आज नहीं, ये तो आज मैं शूट करवाया। ये हमेशा ऐसा करती है, मम्मी पापा का हिस्सा खा जाती हूँ। ये तो मैंने रखना है हर बार, क्योंकि अभी तूने बोला कैमरा खोल ले सिमर, कैमरा खोल ले। मैंने बोला था शूट करने के लिए, सच बता दूंगा। कैमरा खोल ले सिमर, मैं काम करने लगा हूँ, थोड़ा सा दिखा दे मुझे। अच्छा तेरे को बड़े दिनों बाद दिखा, तूने क्या कोई पट्टी बांध के आ रहे थे घर से, घर पे? तो मैं कर रहा हूं। वो देखा तेरे साथ आ रहा है। चलो जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मगन रहें। होप करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मार्केट अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप नहीं गए हैं मजनू की टिटला मार्केट में, सो जरूर जाइए। इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मार्केट, ये लाजपत नगर, सरोजनी नगर, इन सबसे डिफरेंट थी। सो डू विजिट इट अगर आपको पसंद आई है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एवरीवन।